यूपी के माफिया नंबर एक की हेकड़ी गुम हो गई। यूपी पर राज करने वाले को सजा हो गई। मुख्तार अब जीवन भर जेल में रहेगा। आखिर कैसे की थी मुख्तार ने कृष्णानंद राय की हत्या की प्लानिंग और कैसे सलाखों के पीछे पहुंचा मुख्तार? मुख्तार की जंगल राज के अंत की कहानी। योगी राज आते ही मानो यूपी में माफियाओं की शामत आ गई है। कल तक जिस यूपी में लोग डर के साए में जीते थे, आज उसी यूपी में कानून का राज चलता है। कल तक जिस मुख्तार के नाम का सिक्का चलता था, आज वही मुख्तार अपनी जान की भीख मांग रहा है। ना तो उसे जनता का समर्थन मिल रहा है और ना ही कानून से रहम। वो पहले बर्बाद हुआ, उसकी सारी संपत्ति कुर्क हो गई, 127 करोड़ के काले कारोबार का सत्यानाश हो गया और अब वो जेल की सलाखों के पीछे हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गया है। एक एक कर हिसाब हो रहा है, एक एक कर इंसाफ हो रहा है, एक एक कर उत्तर प्रदेश में माफिया साफ हो रहा है। ना किसी को बख्शा जाएगा, ना किसी को माफ किया जाएगा, सबको उनके गुनाहों की सजा मिलेगी। अतीक के मिट्टी में मिल जाने के बाद यूपी में अब माफिया मुख्तार अंसारी का नंबर लगा है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है। कहानी 90 की दशक की हो या उससे भी पुरानी, हर एक विलेन को उसके गुनाहों की सजा सुनाई जा रही है। माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल और उसके भाई बसपा सांसद अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई है। मुख्तार पर 5 लाख और अफजाल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगाया है। अफजाल को कड़ी सुरक्षा के बीच गाजीपुर जेल भेज दिया गया है। मुख्तार पहले से ही बांदा जेल में बंद है। इससे पहले तक सांसद अफजाल जमानत पर था। मुख्तार की पेशी जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जबकि अफजाल खुद कोर्ट पहुंचा। अफजाल को 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है, ऐसे में उसकी संसद सदस्यता जाना तय है। एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे इस मामले में बीते 15 अप्रैल को फैसला आना था, लेकिन न्यायाधीश के छुट्टी पर होने के चलते फैसला नहीं आ पाया था। ऐसे में फैसले के लिए 29 अप्रैल को तारीख तय की गई थी और ये तारीख आते ही मुख्तार के खिलाफ सजा का ऐलान हुआ। मुख्तार अंसारी को 22 सितंबर 2022 से 29 अप्रैल 2023 तक कुल 4 मामलों में सजा मिल चुकी है। 22 सितंबर 2022 को मुख्तार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 7 साल और अगले ही दिन जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने गैंगस्टर मामले में 5 साल की सजा सुनाई थी। 15 दिसंबर 2022 को मुख्तार को कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय मर्डर और एडिशनल एसपी पर हमले समेत कुल 5 मामलों में 10 साल की सजा हुई। अब गाजीपुर के गैंगस्टर मामले में मुख्तार को 10 साल की सजा हुई है। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर 1985 से 2002 तक अंसारी बंधुओं का दबदबा रहा। साल 2002 में भाजपा नेता कृष्णानंद राय ने अंसारी फैमिली का विजय रथ रोकते हुए चुनाव जीता और विधायक बन गए। उन्होंने अफजल अंसारी को 8000 वोटों से मात दी। यहीं से अंसारी और कृष्णानंद राय के बीच अदावत शुरू हो गई। मुख्तार अंसारी को क्रिकेट बहुत पसंद था और कृष्णानंद राय क्रिकेट से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 29 नवंबर 2005 को घर से निकले थे। मोहम्मदाबाद के कच्चे रास्तों पर कृष्णानंद की 2 क्वालिस गाड़ियां दौड़ रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि बीजेपी विधायक कृष्णानंद जहां जा रहे हैं वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि रास्ते में खड़ा था मुख्तार का शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी। बताया जाता है कि मुन्ना बजरंगी और उसके साथियों ने 6 AK-47 राइफलों से करीब 400 राउंड फायरिंग की। पोस्टमार्टम के दौरान बीजेपी विधायक कृष्णानंद और उनके 6 साथियों के शरीर से 67 गोलियां बरामद हुई थी। पूर्वांचल के गैंगवार में हत्याएं तो बहुत हुई थी, लेकिन जिस तरह विधायक कृष्णानंद को मारा गया, उसने मुख्तार के शूटर मुन्ना बजरंगी का खौफ पूरे यूपी में फैला दिया। इस हत्याकांड के बाद शूटर मुन्ना बजरंगी के लिए पूर्वांचल में रहना मुश्किल हो गया। वो 7 लाख रुपए का इनामी और यूपी का मोस्ट वांटेड बन चुका था। पुलिस उसे दिन रात तलाश रही थी। वो यूपी, बिहार और दिल्ली में छिपकर रहने लगा। 2009 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने उसे मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे यूपी पुलिस को सौंप दिया गया। जुलाई 2018 में यूपी के बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की संदिग्ध हालत में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुख्तार के शार्प शूटर की हत्या का राज कभी सामने नहीं आ सका। दुर्दांत मुन्ना बजरंगी का सफर तो खत्म हो गया, लेकिन मुख्तार का राजनीतिक सफर और जेल में बैठकर नेटवर्क चलाने का आरोप बरकरार रहा। मुख्तार अंसारी ने पूर्वांचल में गैंगस्टर और गुनाहों का लंबा और खौफनाक इतिहास लिखा है, लेकिन जब कानून का राज स्थापित करना हो तो गुनहगार का पद और उसका कद नहीं देखा जाता। कुछ ऐसा ही आज मुख्तार के साथ हो रहा है। जो कभी यूपी का राजा था, आज वो रंग से कम नहीं। साथ ही मुख्तार को सजा होना ये साफ करता है कि देश में कानून से बड़ा कोई नहीं और एक अच्छे समाज के लिए अच्छे फैसलों का स्वागत होना चाहिए। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।